Because I was always a voluptuous figure, मुझे थोड़ा वो sexual attention ज़्यादा मिली है. एक होता है ना कि अरे कितनी सुंदर है, और एक होता है माल वाली फीलिंग, मतलब वो बचपन से आई बीन गेटिंग इट एंड आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद इट. मुझे मेरी बॉडी के लिए इतना शेम किया गया था, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑडियंस, क्योंकि तब तो इतना वो होता नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल मैनेजर्स. दे एक्चुअली मेड अ सर्कल ऑन माई स्टमक इन अ कॉन्फ्रेंस रूम ऑन द बिग स्क्रीन एंड सेड, सी लुक एट हाउ फैट यू आर, बिकॉज ऑफ दिस वी आर नॉट बीइंग एबल टू रिलीज द सॉन्ग. पीरियड्स का मजाक है स्कूल में, मतलब कि एक स्टेन लग जाए तो हे भगवान. मतलब एक बार गलती से मेरा लग गया था स्कूल में, एक ही बार लगा था, एंड वी हैड वाइट ट्यूनिक. मैं पूरा बैठ के वो आई वॉज जस्ट क्लीनिंग इट ओनली विथ वाटर बॉटल्स, यू नो, एंड इट शुडंट बी दैट वे. पीरियड्स को बीमारी थोड़ी ना है यार. मैंने कार्टर रोड पे देखा हुआ है 10 साल पहले. ही वाज मास्टरबेटिंग सिटिंग ऑन अ बेंच इन एट 12 इन द नाइट. व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक लड़कियों में बहुत शर्म डाली जाती है, यू नो. अगेन सेफ्टी डालो, टीच हर दैट यू नो व्हाट आर द राइट मार्कर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई इज सेक्स अ ब्लडी टबू. हम सारे यहाँ बैठे हैं, वी आर ऑल अ स्पर्म. हाई, आई एम नेहा बसीन एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन हॉट फ्लाई. देखिए नेहा बसीन को ले आए हम लोग द मेल फेमिनिस्ट पे. क्या हाल है आपके? I'm good. I have थोड़ा सा जिटरी मॉर्निंग, बट नाउ I'm फीलिंग बेटर. हम लोग चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, दिल्ली वाले दिनों की बात करते हैं. क्या क्या यादें हैं आपकी दिल्ली? सी, माय चाइल्डहुड वाज वेरी मिक्स्ड. मेरे घर पे बहुत प्यार था. आई हैव वेरी सॉलिड पेरेंट्स, वेरी सॉलिड अपब्रिंगिंग. माँ बाप ने प्यार बहुत दिया, घर पे सपोर्ट और एक नॉर्मल सी थी. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ विच आई एम प्रोबेबली अ सॉर्टेड पर्सन. बट माई स्कूल लाइफ वॉज फुल ऑफ ऑस्ट्रसाइजेशन, नेम कॉलिंग, लेबलिंग एंड दैट टू बाई टीचर्स. तो क्या क्या होता था और क्या है इस शब्द का अर्थ? एक फीलिंग कि आप अलग हैं, पर नॉट इन अ गुड वे. कि आप इनके, आप हर्ड में नहीं हैं, आप अलग हैं, इसके लिए आपको पनिश किया जाएगा. एक पनिशमेंट थी कि ब्लैक बोर्ड है, मेरे को ब्लैक बोर्ड के सामने बिठाया अलग से, कि बिकॉज यू आर टॉकिंग अलॉट इन द क्लास ऑलवेज. और सारा माई पनिशमेंट वाज कि जब वो डस्टिंग करेगी वो सारा मेरे ऊपर आता था. So I would be like full of that chalk powder, you know, and then children would laugh at me. एक बार तो क्लास 8th में थी, एक टीचर थी जो 9-10 को पढ़ाती थी. सो शी सेड नेहा बसीन को बुला के लाओ. आई वॉज वेरी नोटोरियसली नोन इन स्कूल एट ऑल एजेस, आई डोंट नो वाई. तो मेरे को बुलाया और चेयर पर मुझे खड़ा किया सबके सामने, और मेरी स्कर्ट के हेम खोले इन फ्रंट ऑफ अ सीनियर क्लास. नो, कुछ वर्ड नहीं, क्यों, क्या, वट एवर, नथिंग. 5th-6th में एक बॉयफ्रेंड बना तो यू आर अ बैड गर्ल, कि तुम बेसिकली इनडिसेंट लड़की हो. तो ये सब चीज़ें मेरे में डाली गई है ना, कि बाकी लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं बन रहे थे. यार, आई एम नॉट गोइंग टू अगेन लाई, वाज अ बिट अहेड ऑफ माय टाइम. मैं थोड़ी फिल्मी थी, थोड़ी रोमांटिक, लड़के मुझे लाइक करते थे. ये बड़ी फिल्मी, आप इनके इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा. आई एम वेरी लाइक मर मिटने वाला इंसान प्यार में, यू नो, कि हो गया तो हो गया भाई, फिर तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना. तो मैं ऐसे बचपन से दोस्तों में आई थिंक दैट आई वाज अ काइंड ऑफ पर्सन जो अपनी पर्सनैलिटी दबाता नहीं था, वो नेचुरल था मेरे में. सो देन This male attention, आप भी जाके, would you ask them out? All the guys जिनको मैंने like करना शुरू किया was because of that they liked me. ये लड़का लड़की की जो attraction है, it's a very normal thing. ये अगर ये लड़के अलग बैठेंगे, लड़के अलग बैठेंगे, करो ही मत ना. कोइट, मैं तो उस दिन किसी स्कूल में गई थी टू प्रमोट माई सॉन्ग, मैंने वहाँ भी बोल दिया. हाँ, मैंने वहाँ बोल ही दिया, वो अलग अलग बैठे हुए थे. मैंने बोला यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि वो सोचते हैं हमें अलग क्यों बिठाया, क्या मतलब, वॉट इज डिफरेंट अबाउट अस, राइट? अदरवाइज वन यू आर ग्रोइंग अप, एवरीबडी थिंक्स एवरीवन हैज द सेम पीपी. और यू थिंक वी डोंट हैव अ पीपी ओनली, राइट? सो इट्स सो नॉर्मल इन योर हेड. सो द मेल अटेंशन वुड मेक यू हैप्पी, लाइक यू वुड बी वेरी हैप्पी. या आई लव्ड इट ऑलवेज, बट नॉट दैट चीप. मतलब वो चीपी वाले भी बहुत है दिल्ली में, मतलब वो बड़े बड़े अंकल और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लड़के, दे विल गो ऑन अ साइकिल एंड पास रियली लूड कमेंट्स एट यू, यू नो. वो तो आपके साथ देगी वेगी सबको दिल्ली में, ये तो दिस इज वेरी नॉर्मल. पिंच करना बैक को, बूब्स को पिंच करके भाग जाना, ये तो बचपन से हमने देखा है. तो बॉम्बे आके रियलाइज की दिस इज नॉट नॉर्मल. वैसी वाली बात है, हमारे शो पे कई सारी महिलाओं ने आके बताया दिल्ली की डीटीसी बसों में उनके साथ क्या होता था. डीटीसी बस में लड़कों के साथ भी होता है. आई नो सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, माई ओन हस्बैंड हैज टोल्ड मी. Older men rub themselves against men and small boys. दिल्ली में ऐसा होता है कि अपने बच्चों को भैया जेबें फाड़ लो लेकिन प्राइवेट बस में भेजो, बिकॉज दे आर सो स्केर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन ऑन DTC पब्लिक बसेस. मतलब आई हैव हैड अ फीमेल फ्रेंड ऑफ माइन इन कॉलेज वेयर वो बैठी है और वो सो गई, और उठी तो देख रही कि साथ वाला बंदा स्वेट कर रहा है, उसको समझ नहीं आया क्या हो रहा है. उसके बैग के पीछे ही वॉज डूइंग हिमसेल्फ, शी रैन एंड गॉट ऑफ द बस. दीज आर वेरी नॉर्मल एक्टिविटीज़. मैंने कार्टर रोड पे देखा हुआ है
10 साल पहले ही वाज मैस्टरबेटिंग बट लाइक सिटिंग ऑन अ बेंच इन एट 12 इन द नाइट द फर्स्ट टाइम आई सॉ अ मैन्स जेनिटल वाज वाचिंग अ मैन डू हिमसेल्फ ऑन द रोड फोर ऑफ अस वॉकिंग फिर बाद में फर्स्ट ईयर कॉलेज तो मैंने पत्थर मारने शुरू कर दिए थे बिकॉज दैट्स हाउ यू बिकम अ गुंडा मुंबई हैज बीन स्ट्रगल और इजी आई हैव आई केम टू बॉम्बे विथ नो हेट्रेड और सेल्फ लोथिंग बट वीवा में आने के बाद मेरे को वो इमेज डिसमॉर्फिया इतना ज़्यादा मतलब मुझे पता भी नहीं था ऐसा कोई वर्ड होता है आई डोंट इट्स अ मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स योर सेल्फ और द वे यू लुक एंड ऑनेस्टली मोर ऑफन दैन नॉट वो आपकी आवाज़ नहीं है वो दूसरे लोगों की आवाज़ें जो आपके अंदर आके बैठ गई हैं बट अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनेटली पब्लिक फिगर होने का ये एक डाउन साइड होता है कि इतना ज़्यादा आप पे यंग एज पे प्रेशर होता है यू ऑब्जेक्टिफाइड 18 साल की थी ना वीवा के टाइम मुझे मेरी बॉडी के लिए इतना शेम किया गया था एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑडियंस क्योंकि तब तो इतना वो होता नहीं था आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल मैनेजर्स यू नो द पीपल जिनके केयर के अंडर हमें रखा गया था मतलब एक मैं आपको चलो एक ही इंसिडेंट बताती हूँ दिस इज़ अ टाइम जब हम लोगों के हर रोज़ मेजरमेंट्स होती थी और हमें इंसेंटिव दिया जाता था कि पाँचों को साथ में इतना वेट लॉस होगा तो 5,000 रुपये की जो है वो इंक्रीमेंट मिलेगी हम लोग को 25,000 की सैलरी मिलती थी वी आर ऑन अ सैलरी एंड अगर कलेक्टिवली हमारा उतना वेट कम नहीं होगा तो किसी को भी नहीं मिलेंगे तो आप सोचिए उस तरह की शेम कि वो मैनेजर आता है आपकी सबकी मेजरमेंट्स होती है और फिर बोलते हैं हाँ ये 3 का हुआ है लेकिन आप 2 का नहीं हुआ है सो दिस इज़ अ टाइम दे ऑल्सो पुट मी ऑन फैट पिल्स ओके विच अपेरेंटली कॉज मी सुसाइडल थाट्स एंड डिप्रेशन विच आई वॉज इंट अवेयर ऑफ या And I was literally a scarecrow by that and time. What is a fat pill like? Is it supposed to make your liver go like? It has like literally 10-15 cups of caffeine. What? In it. So you lose your appetite. So there is anxiety being induced from that exactly. also possibly. So anxiety, then you know, you don't feel hungry through the day. You lose a lot of water. Aapki jo capability of workout hai, badh jati hai. And main hamesha se bahut dedicated, matlab ki kuch banne ke liye jo khona hai kho sakte hai type. Us time pe mera mindset tha ki theek hai. And this is at that point. I'm telling you that one incident at the pivotal point कि मुझे meeting करनी थी जिनके बारे में मुझे meeting करनी थी वो भी अपने आप को force करके आ गए meeting में और हमारे उस time के manager जो भी उन्होंने दी थी And they put the song on the screen which was to release जागो जरा का remix and they actually made a circle on my stomach and they said in a conference room on the big screen and said see look at how fat you are because of this we are not being able to release the song या सी मैं पहले तो सुनी थोड़ी देर बट आई थिंक उस टाइम पे मेरा वो काइंड ऑफ हद आ गई थी मैंने माँ बहन की गालियाँ देके निकली थी उस मीटिंग से ठीक है एंड देन आई लेफ्ट होम एंड एट दैट टाइम द बैंड एंड आई वर नॉट टॉकिंग सो इट वाज जस्ट डाउनवर्ड स्पाइरल फ्रॉम एवरीथिंग एंड आई रिमेंबर आई वेंट होम आई नेवर सेड दिस ऑन रेकॉर्ड बाय द वे बट आई वांट टू से इट टुडे आई हैड दैट होल पिल ऑफ फैट पिल्स एंड आई वेंट डिलीरियस दैट नाइट एंड आई थिंक माई मम ऑल्सो स्टिल डजंट नो दिस बाय द वे सो And so, you know, these are the demons that still no, sometimes... Thank you for sharing, yeah. This is not advice. This is what happens when you body shame body shame karte ho. Today, I feel that when I was 18-19 years old and the people who did it with me, they were 38-40 and I was 40. I can't think about doing it with a child. You know, I cannot... Like, somebody who's left his home and has come to make their life, their mother has signed a contract for 50 pages. उनकी केयर में डाला है और आपने क्या किया आपने उनके सारा सेल्फ इस्टीम तोड़ दिया अब ये इस वजह से हुआ है या व्हाटएवर मुझे पता नहीं है उसकी साइंस बट आई हैव समथिंग कॉल्ड प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर साउंड्स वेरी फैंसी वेयर 14 डेज इन अ मंथ ओके आई पीएमएस सो बेसिकली योर डे 1 पीरियड्स टू डे 5 उसके बाद आपके 1 वीक के बाद ओव्यूलेशन होता है मेरा जैसे ओव्यूलेशन बाय द क्लॉक खत्म होता है 14 डेज टू पीरियड्स आई स्टार्ट पीएमएसिंग Everything, like my whole body starts changing, my mind starts changing. Wherein I go into deep depression, I go into deep anxiety, where my body literally is anxious, and it's a lot of things. You have to read up on it. But I am now working on it. Like what I've always was, hamesha uspe kaam kar rahi thi. But I think mera thoda negative approach tha. Now that I know on paper, like ki mere progesterone levels itne gire hue hain. Matlab my doctor was like, how are you even happy? You know, and she said, you should like be proud of how far you have come and you know, you've braved it and you've not like done aise koi aapne step nahi liye jo log le lete hain, you know. Hamare paas Divya Datta aayi thi, unhone bataya unka, kyunki she's a certain shape and size, log unko ek tarike se hi dekhte the. Kai baar aapke saath bhi aisa hua? Yes, because I was always a voluptuous figure, bachpan se. I always, mujhe thoda wo
सेक्सुअल अटेंशन ज़्यादा मिली है, मतलब ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली. एक होता है ना कि हर एक कितनी सुंदर है, और एक होता है माल वाली फीलिंग, मतलब वो बचपन से आई बीन गेटिंग इट एंड आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विथ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल फाइनली आई थिंक वो 30s में आके यू नो आई वॉज लाइक ठीक है ना यार, मतलब दिस इज़ हु आई एम. बट इट टेक सो मेनी ईयर्स. पहले आई एम नॉट किडिंग यू, आई यूज़ टू स्टफ माई बूब्स इन पहले, मतलब आई यूज़ टू डू दैट, लाइक लिटरली स्टफ देम इन, लाइक लोग जैसे बाहर निकालते मैं अंदर करती थी यू नो कि यार. एंड आई वुड ट्राई टू लूज वेट सो आई कुड लूज वेट ऑन माई चेस्ट, सो बिकॉज दैट मेक्स यू लुक मोर एथलेटिक यू नो, टू हैव लाइक अ लाइन इन को हड्डियाँ दिखें यहाँ से. बट वो आई रियलाइज कि वो मेरी फॉर्म नहीं है, दैट्स नॉट माई नेचुरल फॉर्म. इट वॉजन इवन वन आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, आई वॉज वेरिंग अ फुल फ्लेज्ड वुमन्स ब्रा वन आई वॉज 14 यू नो. सो तो आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए मतलब जिंदगी भर इसमें शर्म करती रहूँ. आई एम नॉट ग्लास फिगर, आई हैव अ बिग बट, आई हैव बिग बूब्स एंड आई हैव अ स्मॉल वेस्ट. सो इफ आई डोंट गिव एनी शेप, इफ आई लुक लाइक एन आई लुक लाइक अ पोटेटो सैक. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट मेन का तो एडुकेशन ठीक है, अपनी विमेन को जो है ना फियर और डेंजर के बीच में डिफरेंस बताओ. व्हेन यू टेल योर चाइल्ड कि ये मत पहनो क्योंकि आप यहाँ जाओगे तो आपके साथ ये हो सकता है, आप यहाँ पहन लो. एक ड्रेस अप्रोप्रिएट फॉर डेंजर सिखाओ, फियर मत डालो अपने बच्चों में यू नो कि ये गलत है ये सही नहीं. ये मोरालिटी का जो बर्डन है ना, दिस इज वॉट दे नीड टू स्टॉप पुटिंग. विज वुमेन डील विद सो मच ऑफ शेम बिकॉज लाइक जैसे हमारी मम्मी ना हमें वो वी वाला स्विमिंग कॉस्ट्यूम बनाती थी प्रॉपर, हमने वो कभी फ्रॉक स्टाइल वाले नहीं पहने. सुंदर अच्छी चीज़ ठीक है. एंड माई मदर हैड बिग हिप्स एंड बिग थाइज ओके, मतलब समथिंग दैट इंडियन वुमेन विल नॉट वेयर. मम्मी भी पूरा वो पहनती थी और हमें भी बनाती थी, और हमने बचपन से स्विमिंग करी है 9 ईयर्स की, तो हमें स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने में कभी हमें शर्म ही नहीं आई. बट हम देखते थे कि लड़कियों को पूरा पूरा पहनाया और लड़कों को स्विमिंग ट्रंक पहनाया. आपने ऑलरेडी डिमार्केशन कर दिया ना, आपने ऑलरेडी वो फीलिंग ही करवा दी उसमें कि यू योर बॉडी इज समथिंग अनवर्दी और शेमफुल और टू बी प्रोटेक्टेड और टू बी अफ्रेड ऑफ. कुछ तो रॉन्ग, मतलब क्यों, मतलब सवाल पूछो ना क्यों ये पहन सकता है, क्यों मैं क्यों नहीं प्रॉपर स्विमिंग सूट, मेरा भी तो यही कवर करना है ना. अगर कायदे से आप कवरिंग की बात करो, ही इज कवरिंग आई एम कवरिंग राइट, व्हाई एम आई वेयरिंग अ फ्रॉक स्टाइल दिस थिंग कवरिंग अप टिल हियर. ये यू नो आई रिमेम्बर हमारे ब्रा स्ट्रैप्स को ऐसे कर देते थे और ऐसे लगता था ऐसे पता नहीं हमने मतलब क्या कर दिया, मतलब आई रिमेम्बर दैट फीलिंग थ्रू द बॉडी व्हिच वाज लाइक इट्स बैड. फीमेल प्लेजर की हम मेल फेमिनिस्ट में बात करते हैं क्योंकि मर्दों के प्लेजर के बारे में बड़ी बात होती है. तो हम बड़े हो गए, अब तो हम बात कर सकते हैं इस बारे में. अभी भी लगता है कि हम बड़े हो गए हैं यार. हां ये कैसे बात, मम्मा मैं बड़ी हो गई हूं यार, मतलब स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अंडरस्टैंड Why is sex a bloody taboo? मेरे को तो पहले यही समझा दो, हम सारे यहाँ बैठे हैं, we are all a sperm. हाँ, yeah, one in millions. Yeah, so इसमें शर्मनाक बात क्या है? मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जो मोरालिटी का बर्डन सबसे बड़ा सेक्स पर डाला जाता है. आई फील दैट दिस नीड्स टू गो अवे कम्प्लीटली. इन फैक्ट अगेन अगर आप इसको नॉर्मलाइज करोगे, बच्चों को समझाओगे, बच्चे स्टूपिड हरकतें नहीं करेंगे, बच्चे स्पेशली वुमेन विल नॉट फॉल इन टू ट्रबल. They will not fall into situation they shouldn't be in. You know, they will not be sending nudes out or getting abortions without their parents and all. ये सब नहीं होगा क्योंकि अगर आपको ढंग से समझाया जाएगा. फ्री विल होनी चाहिए कि जब आपका मन करे, जब आपको वो पार्टनर मिले, जब आपको लगे कि मैं सेफ हूँ, तब आप करो. नहीं बट ये तो प्रॉब्लम की डिस्कशन हम करते हैं कि सेक्स एजुकेशन का तो बंटा ढा रहा है. मजाक है स्कूल में. हाँ क्यों है ऐसा? पीरियड्स का मजाक है स्कूल में. मतलब कि एक स्टेन लग जाए तो हे भगवान. मतलब एक बार गलती से मेरा लग गया था स्कूल में, एक ही बार लगा था. एंड वी हैड वाइट ट्यूनिक, मैं पूरा बैठ के वो आई वाज जस्ट क्लीनिंग इट ओनली विथ वाटर बॉटल्स यू नो. एंड इट शुडंट बी दैट वे. पीरियड्स को बीमारी थोड़ी ना है यार, सबको होते हैं और फिर बड़े होकर उसी से बच्चे होते हैं. व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक लड़कियों में बहुत शर्म डाली जाती है यू नो. अगेन सेफ्टी डालो. टीच हर दैट यू नो वॉट आर द राइट मार्कर्स. आई टोल्ड माई नीस व्हेन शी वाज लाइक अभी वो 17-18 की हो गई है, तो छोटी थी. ऐसा कोई मांगेगा न्यूड्स मांगेगा पिक्चर मांगेगा ये मांगेगा ऐसा नहीं देना. ऐसा अंडरस्टैंड वन थिंग दैट वुमेन आर ऑलवेज मोर एट अ रिस्क. व्हाई? बिकॉज वी आर द वंस हु कैन गेट प्रेग्नेंट. वी आर द वंस हु आर गोइंग टू कैरी द नेक्स्ट जनरेशन वट एवर. इफ यू डोंट वॉन्ट टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉट इज गोइंग टू डू टू यू एंड योर मेंटल हेल्थ एंड योर इमेज, डू नॉट डू इट. डू नॉट एंगेज इन सच थिंग्स. ग्रो अप, फाइंड द राइट गाय हू यू फील सेफ विद, देन डू व्हाटएवर यू फील लाइक. बट जैसे प्रॉब्लम ही तो यहाँ है ना नया कि सेक्स की awareness for men is coming from porn. आपकी sex की awareness कहाँ से आ रही थी? Porn. Porn, right? But by mistake. So I was shocked. I तो said मैं कभी नहीं करने वाली हूँ. What is this? Yeah, why? Yeah, I'm like ये मैं कभी ऐसा I want to do a test tube baby. So I was like famous amongst my friends से मैं तो test tube baby करूँगी. अगर ऐसे बच्चे होते तो भाई हमको तो ना करना. हाँ.
तो बिकॉज वुमेन हैव अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम मेन. हम सिर्फ ये बोलते हैं कि मर्दों के हस्त में तुम कह रहे हो तो पिक्चर बन गई अभी है ना, मतलब बट फीमेल ऑर्गेजम्स और फीमेल प्लेजर के ऊपर कुछ गिनी चुनी अभी आप 5-10 गिन सकती हैं. एंड ऑल्सो उसमें भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन होती है, मैडम एक्स, माया मेम साहब, मतलब इट्स वेरी लाइक द डार्क वुमन, इट्स वेरी कांति शाह, या हु कम्स आउट ऑफ यू नो द केव्स, नहीं मतलब, और रेखा एंड कामसूता हु टीचर, लाइक व्हाई कांट बी नॉर्मल, लाइक जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, वैसे हम प्लेजर भी एंजॉय करते हैं, मतलब यू हैव टू नॉर्मलाइज इट. फिर अब ये बताओ ग्रीन फ्लैग्स क्या होते हैं और ग्रीन फ्लैग्स कैसे आए दुनिया में? क्या आई थिंक सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है समबडी नॉट वांटिंग टू पोजेस यू. यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम दो इंडिविजुअल सोल्स हैं जो एक कलेक्टिव जर्नी पे हैं. जब आप किसी को डेट करते हो या शादी भी, व्हाटएवर आई एम सेइंग, व्हाटएवर व्हेन यू आर पार्टनरशिप विद समबडी ऑफ एनी काइंड, एक्चुअली नॉट जस्ट लव, इट्स टू सोल्स कमिंग टुगेदर फॉर अ कलेक्टिव जर्नी. यू कांट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम दो डिफरेंट लोग हैं. एंड अगेन आई ऑल्सो वॉन्ट टू से टू पीपल दैट मैरिज इज नॉट ईजी. इट्स नॉट, नॉट बिकॉज यू नॉट मैरिड टू, आई एम मैरिड टू द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट इट्स योर ओन स्ट्रगल्स ऑल्सो ना. आप भी तो इवॉल्व हो रहे हो, आप चेंज, आप लाइफ में सब चेंज हो रहा है, बस एक यही चीज़ कॉन्स्टेंट चल रही है, आपका पार्टनर, योर फ्रेंड्स कीप चेंजिंग, योर जॉब्स चेंज, व्हाटएवर, बट नहीं, एवरी डे वी शुड फील लव फॉर ईच अदर, डजंट वर्क लाइक दैट, यू हैव टू इवॉल्व टुगेदर. रेड फ्लैग्स, माई बॉयफ्रेंड देन वॉज 18 ईयर्स ओल्डर देन मी, वॉट यू वॉन्ट टू से, इज दैट अ रेड फ्लैग? आई फील इट इज़ वैन यू आर बींग मैनिपुलेटेड, इट इज़ वैन यू आर बींग इमोशनली अब्यूज्ड, इट इज़ वैन यू आर बींग मैनिपुलेटेड इन टू पेइंग देयर रेंट्स, या आई, इट्स अ लॉट. This was a red flag all over, but very calculatively done. And जैसे मैंने आपको बोला कि विवाह में already मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, my self esteem was already on the lower side. I feel like when I walked out of that relationship, ऐसा लगा कि सर से ना कोई काला साया उड़ गया, ऐसा फील हुआ मुझे फिजिकली, लाइक कि some black cloud has lifted off my head. तो फिर आपका फिर दिन चगना था क्या था, and like कितना अलग था? एक्चुअली दिन चगना गाना भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज मेरी वेडिंग वाले दिन मेरे फ्रेंड्स ने वो गाया था. लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर सिंगर्स इन द एड वर्ल्ड एंड ऑल, तो दे वर ऑल हार्मोनाइजिंग टुगेदर एंड दे सैंग एंड आई वॉक डाउन द आइल. मेरा फॉर रियल, या सो क्यूट, तो मेरी वाइट वेडिंग थी. मैं मुझे वी वॉन्टेड टू मोर ऑफ अ प्रॉमिस वेडिंग, ऑब्वियसली यहाँ से हम साइन करके गए थे, दैट वॉज माई पेरेंट्स कंडीशन कि वो मैं शादी नहीं मानेंगे अगर तुम साइन नहीं करोगे. तो मैंने कहा मुझे शादी ना एक ऐसे फिल्म की तरह नहीं, मैं पूरी लाइफ एक्टिंग करते हैं हम लोग, यू नो यहाँ जाओ यहाँ स्माइल करो, ऐसा मुझे ऐसा, आई वांट टू फील लाइक वन विद माय पार्टनर एट द वेडिंग. सो फॉर मी इट वाज लाइक लेट्स गो समवेयर अवे, तो हम टस्कनी गए, 50-60 पीपल, इनफैक्ट आई वाज द फर्स्ट वन हु गॉट मैरिड इन इटली, लेट मी आल्सो पॉइंट दैट आउट टू यू. बूजी, हम 50-60 लोग थे, मेरे खुद के फ्रेंड्स ने सारा डेकोर किया था, ब्यूटिफुल विनयार्ड, and you know it was we used again fake flowers, I didn't want to waste flowers that day also, and it was all white, and we exchanged just vows. A party. Yeah, it and was vows aap logon ne, yeah, we exchanged vows, my best friend married us, like Joey, yeah, so my best friend married us, and so I had a dream wedding, so ha film me in your own way, like make your own sort of thing. And I remember usme bhi Sameer ne bola tha ki I will never control you or change you because I fell in love with who you are. And I remember all the women crying over there, and he kept his word. I have to say that he, more than me, has kept his word. I learn from him that part every day. He learns from me certainly, but this part I learn from him every day. And yeah, so that was my din chagna. Yeah. But if there is a message to the 16-year-old self that you'd like to give, Neha, that's your camera. मैं actually हर रोज सुबह बोलती हूँ अपने आप को आजकल कि मेरा बच्चा तू बहुत अच्छा कर रहा है, यू आर सो गुड, लुक एट यू हाउ फार यू कम, इट्स ओके इफ टुडे यू हैव अ बिट ऑफ ब्लोटेड स्टमक, इट्स लाइक यू नो हैव दैट डीमन इनसाइड मी, बट द 16 ईयर ओल्ड डिजर्व्स द लव. एंड आई इवन इफ यू सी माय जर्नल, आई हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम बीइंग सेल्फ बिलिटलिंग टू राइटिंग एवरी डे नेहा आई लव यू, यू नो यू आर सच अ स्वीट पर्सन, यू डन वेल फॉर योर सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू गिव यू हग, यू आर डूइंग वेरी वेल, जो जितना कर सकती तो अच्छा ही कर रही है. One breath at a time, one step at a time, and it's okay. कभी कभी नहीं होता तो बैठ के रो भी लेती हूँ. So yeah, I'm all good. So thank you so much. आप लोग male feminist का पूरा episode जो देखे हैं, उसके चीजें जो आपने सीखी हैं, वो हमें comments में बताइएगा. Do not forget to like, comment, share and subscribe to the Hot Flag. आप जाएं इनका गाना सुने दिन शगना था, और हाँ, I think अगर इनकी permission हुई तो हमारे अगर कभी फेरे हुए या I think फेरे नहीं होंगे, party होगी तो जो भी करने का मन है आपका, फिर भी अगर मन कर जाएगा तो कर लेना. फिर हमारे वाउज और लेडी प्रीस्टेस होंगी, ये गारंटी नहीं है.
क्योंकि फेमिनिस्टिक सात फेरे का वो वचन तो मैंने सभी सुने नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में बताइए। बाय। सी या।